सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। हमारे सभी दर्शकों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि वर्ष में चार बार होता है, जिसे माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन के रूप में साल में चार बार नवरात्र मनाया जाता है और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के समय माँ जगदम्बे के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं और कलश की स्थापना भी करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश स्थापना या घट स्थापना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि आज से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर सभी भक्त अब मंदिर पर पहुंचने लगे हैं। माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की 9 दिनों में आराधना होगी। लगातार 9 दिनों तक माँ दुर्गा जो है उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। सभी भक्तगण और श्रद्धालु मंदिर पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वही शास्त्रों की अगर बात करी जाए तो शास्त्रों में नवरात्र का त्यौहार मनाए जाने के पीछे 2 कारण दिए गए हैं। जहां पहली पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान में उसे कोई देव, दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य नहीं मार पाया। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया था। तो वहीं इस बात से ये कहा जा सकता है कि जो माँ दुर्गा के जो इस अवतार की उत्पत्ति है, जो माँ दुर्गा का ये अवतार उत्पन्न हुआ है, ये महिषासुर के आतंक की देन है कि महिषासुर ने लोगों पर इतना आतंक दिखाया था, महिषासुर का लोगों में इतना भय था कि जिसके बाद उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा माता को जन्म दिया। वह इस खबर पर तमाम और जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, 2 साल बाद नवरात्र का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसको लेकर भक्तगणों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? आपकी जानकारी में बता दूं, जो 12 देवी मंदिर जहां मैं खड़ा हूं, कानपुर का दक्षिण का एक ऐसा मंदिर है जो लगभग 1700 साल पुराना मंदिर है और यहां पर ये जो मंदिर बना हुआ है इसमें 12 देवियां जो 12 देवी बनी है, 12 देवी हैं, इनका नाम 12 देवी है। यहां 12 देवियां स्थापित हैं और जहाँ की रहने वाली है बर्रा गाँव की, वहां से आस पास क्षेत्रों का नाम ही बर्रा रखा गया है। बर्रा 1, बर्रा 2, बर्रा 3 ऐसा करके लगातार बर्रा बना हुआ है और यहाँ पे लोगों का आस्था इतनी जुड़ी हुई है कि यहाँ सुबह 4 बजे से लोगों का ताता लगा हुआ, श्रद्धालुओं का अपनी आस्था से जुड़ी हुई है। उपेंद्र, लगातार जो है मंदिरों में भक्तों का ताता लगा हुआ है, तो क्या आप हमें एक बार मंदिर दिखाएंगे ताकि जो हमारे दर्शक वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, मंदिर पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो आपके जरिए ही दर्शन कर लें? हमारे जो कैमरा पर्सन है, मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि मंदिर की तरफ जो है मंदिर की तरफ दर्शन दिखाए, भक्तों को मंदिर दर्शन कराए। मंदिरों में बहुत भीड़ लगी हुई है और आपको जानकारी बताते हैं, सब लोग बहुत भीड़ लगी यहाँ पे लगातार। और ये मंदिर जो मेन गेट है, यहाँ से लोग भीड़ बीच रास्ते से लगे हुए हैं, यहाँ पे अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। और बाहरी जो सुरक्षा व्यवस्था है इंतजाम कर दिए गए हैं लगातार, आप देख रहे हैं मेरे कैमरे पे कि सुरक्षा व्यवस्था को कड़े इंतजाम किए गए हुए हैं। और देख लीजिए यहाँ से दरवाजों में समझ में आ रहा होगा आपको कि जो है मंदिर जो है कि वो इतने भीड़ लगी, आस्था लगी लोगों की और यहाँ पे मेला लगा रहता परमानेंट यहाँ पे। और आपको बताते चले यहाँ पे लोगों से दलू, यहाँ पे लोग नवरात्र मुंडन संस्कार का प्रोग्राम हमेशा करते चले आ रहे हैं। लोग नवरात्र अपना मुंडन संस्कार और विवाह संबंधित कई भी चीज कार्यक्रम होते हैं, पहले 12 देवी मैया के पास आते हैं, वहां से दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद ये लगातार यहाँ पे आपको जानकारी बता दूं मुस्कान कि आपकी जानकारी में बता दूं मुस्कान आपको ये कि जो ये 12 देवी मंदिर है, ये IIT जो विभाग है उसके अनुसार 1700 साल पुराना मंदिर है यहाँ पे। उपेंद्र, इस ये मंदिर आप बता रहे हैं कि 1700 साल पुराना मंदिर है, तो इसको लेकर लोगों में क्या कुछ मान्यताएं जुड़ी है इस मंदिर को लेकर?
यहाँ पे लोगों को इतनी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं अपने तरह तरह से कोई क्या कहते हैं कई सुई अपने शरीर में सुई लगा करके कई भाला लगा करके मतलब देवी माँ को लोग जो प्रसन्न करने के लिए हर तरीके तरीके से अपनाते हैं यहाँ पे लोग उपेंद्र, अगर देखा जाए तो लगातार बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से जो सभी त्योहार है वो अच्छे से लोग नहीं मना पा रहे थे, लेकिन जब अब कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, लोगों की जिंदगी वापस सब पटरी पर लौट रही है, तो इस बार के नवरात्र में भक्तगण है उनमें कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, वो कितने उत्साह के साथ मंदिर पहुँच रहे हैं? मुस्कान, आपको बताना चाहूंगा, ये हिंदू धर्म की आस्था के साथ जुड़े लोग हैं और यहाँ पे इतना भीड़ इतनी भीड़ है इतनी भीड़ है कि लोग ये समझ लीजिए मंदिर परिसर के अंदर जाने के लिए आदमी को 2 से 4 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। उपेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप जो मंदिर के बाहर इस वक्त जो भक्तगण मौजूद है उनसे जाने कि नवरात्र का महत्व है और वो आज माँ के कौन से स्वरूप की पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। आइए, आपको हम मुलाकात करते हैं श्रद्धालु अपना है और ये बताएंगे आपको कि जो इस मंदिर में है, इस मंदिर की जो है आस्था जो है, ये इस मंदिर में दर्शन करने क्यों आए हैं, किस कारण आए हैं? इस मंदिर में हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है और यहाँ पे हर साल इसी तरह से लोग आते जाते रहते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। आप क्या लगता है कि आपको ये इस दरबार पे जब आप आते हैं तो आपको ये लगता है कि किस आस्था से आप आते हैं कि आपके सारे मुरादें पूरी होती हैं? यहाँ पे जितने भक्त दयालु आते हैं सभी ये अपनी मनोकामना को पूरी करने की आस्था से आते हैं। देखा मुस्कान, आपको जानकारी दे दूं मैं कि सब सब अपने आस्था के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। उपेंद्र, इस वक्त आपके पीछे एक बच्चा भी मौजूद है, तो आप उससे भी पूछिए कि वो नवरात्र को लेकर कितना उत्साहित नजर आ रहा है। क्यों बेटा, आप मंदिर में दर्शन करने क्या करने आए यहाँ पे? हम मंदिर में दर्शन करने आए। क्यों दर्शन करने आए? ये हर मनोकामनाएं माता जी पूरी करती है। मुस्कान, आपको बता दें, बच्चा है बता रहा है माता जी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यानी देखा जाए तो इस मंदिर से हर एक जो वर्ग है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। अभी एक बच्चे ने भी कहा कि इस मंदिर में आने से मनोकामना पूरी होती है। जी जी उपेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप 2-3 जो आपके इर्द गिर्द में महिलाएं हैं आप उनसे भी बात करें, जो पूजा की थाल लेकर पहुंची है वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। एक मिनट मुस्कान जी, आपको बताते चलो कि मैं मंदिर परिसर के बाहर हूँ क्योंकि एक्चुअली बाहर अंदर इतना साउंड है कि मैं आपको श्रद्धालुओं से मिलवा नहीं पा रहा हूँ, पर हाँ मैं आपको जल्द श्रद्धालुओं से कराऊंगा। आपके अगल बगल जो है वो दुकानें भी लगी हैं माता दुर्गा को भेंट चढ़ाने के लिए, उनको सजाने के लिए, तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार ये सभी दुकानें हमको और हमारे दर्शकों को दिखाएं। आइए, आपको दिखाते हैं यहाँ की जो बाजारे हैं, ये बाजारे जो लगे हुए हैं यहाँ पे, लगातार लोग अपना जो सामान जो है वो लगातार खरीदते चले आ रहे हैं। जी लगातार देखिए, समझ समझ दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पे खरीदारी का माहौल बनाए हुए हैं और आपको दिखाते चले, लोग यहाँ पे जो है देखिए किस तरह से खरीदारी करते हैं। जी। मुस्कान जी आइए, आपको श्रद्धालु सुनवाते हैं और बात कराते हैं क्या है, किस इससे किस मंदिर से किस रास्ता कैसे जुड़ी हुई है। बेटा, आप इस मंदिर पर दर्शन करने आई हैं? आप इस मंदिर दर्शन करने आई है? हाँ, बारा देवी के दर्शन करने। आप इस मंदिर दर्शन करने आई है, आप क्या आस्था जुड़ी मंदिर? बहुत ज्यादा, बहुत दिन से जुड़ी हुई है। मेरा लड़का बम्बई है, इस समय गुजरात में शूटिंग कर रहा है, हमें बड़ी खुशी की बात है, वो विदेश जाने वाला है। माँ भक्ति भेजे। मुस्कान जी, आपको जान के बना, ये जो श्रद्धालु थी इन्होंने बताया कि मेरी मनोकामना यहाँ पे इतनी पूर्ण हुई है कि मेरा लड़का इंडिया से विदेश जाने वाला है। धन्यवाद उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि इस तरह से कानपुर की अगर बात करी जाए तो 1700 साल पुराने मंदिर का लोगों में इतना महत्व देखने को मिला कि वो हर साल नवरात्र में यहाँ आते हैं और लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर आकर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी अपनी श्रद्धा और आस्था से यहाँ पर आता है माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और यही वजह है कि इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार हर एक वर्ग, फिर चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, लगातार मंदिरों में पहुंचकर माता का दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो 9 दिनों तक चलने वाला माँ का ये पर्व नवरात्र, ये 9 दिनों तक चलेगा। इस 9 दिनों के दौरान माँ के अलग अलग स्वरूपों की भी पूजा होगी।
तो आज नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। ये माता दुर्गा का जो रूप है उसी का ही एक स्वरूप है जिसकी आज पूजा होगी। तो वहीं आपको हम बताते कि नवरात्र के 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। तो आज से माता के पर्व यानी कि नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में जोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि बीते 2 सालों से जहां कोरोना का साया हर एक त्यौहार पर मंडराता हुआ नजर आ रहा था, लोग खुलकर त्यौहार नहीं मना पा रहे थे, तो वहीं अब जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार धीमी हो रही है, लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है, तो अब लोगों ने भी मंदिर पहुंचकर ये इस पर्व को मनाना शुरू कर दिया है। लोगों ने भी अपनी आस्था दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार मंदिरों में लोग सुबह से पहुंच रहे हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। कई लोग कलश की भी स्थापना करते हैं और ऐसा माना जाता है कि कलश की स्थापना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, साथ ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। साथ ही माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लगातार लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि इस दौरान जो भी सुहाग का सामान माता देवी को अर्पित करता है उसका सुहाग भी हमेशा बना रहता है। इस नवरात्र के दौरान लगातार अगर देखा जाए तो जो श्रद्धालु हैं वो व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु कलश स्थापना के साथ साथ व्रत रखता है, माता उससे प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाती है। वहीं शास्त्रों में अगर हम देखें तो इस त्योहार को मनाए जाने के पीछे कई सारे महत्व है। पहला महत्व ये है कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का लगातार जो 9 दिनों तक युद्ध चला था, महिषासुर का अंत किया था। और ये भी कहा जाता है कि जब जब धरती पर आतंक आफत या लोगों को परेशानी होगी, तब तब माँ दुर्गा अलग अलग स्वरूपों में जन्म लेकर इस धरती का उद्धार करेंगी। यही वजह है कि लगातार हर साल नवरात्र का पर्व बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ के अलग अलग स्वरूपों की भी पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अगर पौराणिक कथा देखी जाए तो दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम ने लंका पर आक्रमण करने से पहले और रावण के संग युद्ध में जीत के लिए शक्ति की देवी माँ भगवती की आराधना की थी। रामेश्वरम में उन्होंने 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने श्री राम को लंका में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद 10वें दिन भगवान राम ने लंका नरेश रावण को युद्ध में हराकर उसका वध कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन को विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। तो इस नवरात्र के पर्व को मनाने के पीछे पौराणिक मान्यताओं में 2 अलग अलग कथाएं हैं। जहां एक तरफ कथा ये है कि माता दुर्गा का महिषासुर नामक राक्षस के साथ लगातार 9 दिनों तक युद्ध चला था और जब 10वें दिन से युद्ध का अंत हुआ तब माँ दुर्गा ने बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दिया था, जिसके बाद से ही इस पर्व को बेहद ही धूमधाम के साथ पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वही अगर दूसरी कथा की बात करी जाए तो दूसरी कथा में श्रीलंका में युद्ध करने से पहले भगवान राम ने रामेश्वरम में पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद उन्हें ये वरदान प्राप्त हुआ था कि वो लंका में जाकर जीत हासिल करेंगे। और कुछ ऐसा हुआ भी, जब भगवान राम ने लंका नरेश रावण को हराया तो वो युद्ध 9 दिनों तक चला था। वही जब भगवान राम ने इस युद्ध में 10वें दिन जीत हासिल की तो उसको विजयदशमी के नाम से मनाया जाता है। यही वजह है कि लगातार जो कई सालों से भक्तगण लगातार नवरात्र को मनाते हैं, माँ के इस पर्व को बेहद ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। और आज नवरात्र के पहले दिन की शुरुआत है और पहले दिन में माँ शैल पुत्री की पूजा की जाती है। इस नवरात्र के 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जबकि आज पहले दिन माँ शैल पुत्री की पूजा की जा रही है। और लगातार सुबह से ही जो भक्तगण है वो मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांश जुड़ चुके हैं। विभांश, आप इस वक्त किस मंदिर पर मौजूद हैं?
जहाँ जो श्रद्धालु है वही अगर बात की जाए तो आज का दिन कहा जाता है, दिवाली कहा जाता है। आज भगवान के 9 दिन का त्योहार होता है, देश के अलग अलग हिस्सों में बेहद ही उत्साह और उमंग के साथ माता का ये पर्व मनाया जाता है। वहीं इस नवरात्र के 9 दिनों में मां के जो अलग अलग स्वरूप है उनकी पूजा की जाती है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिसके बाद ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और नवे दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो नवरात्र के त्योहार को देश में बड़े ही धूमधाम के साथ लोग सेलिब्रेट करते हैं। हर त्योहार की तरह इसको भी लोग पूरे जोश और उमंग के साथ मनाते हैं। जबकि लगातार इस पर्व की अगर बात की जाए तो लोग इस पर्व के दौरान व्रत रखते हैं ताकि वो देवी को प्रसन्न कर सके। वो देवी के प्रति व्रत रख के अपनी आस्था को दर्शाते हैं, जिसके बाद कई कई लोग अष्टमी के दिन कन्याओं को भोज करा के ये भी दिखाते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटी लड़कियां होती हैं, उन्हें माँ का स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोज का भी आयोजन किया जाता है। एक बार फिर इस खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, पहले मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त आप लखनऊ के कौन से मंदिर में मौजूद हैं? जी मुस्कान, अगर बात करें तो मैं कपूरथला स्थित एक दुर्गा मंदिर पे मौजूद हूँ, जहाँ आप ठीक पीछे देख सकती हैं श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर सुबह से ही पहुंचना शुरू कर दिया। वहीं अगर बात की जाए तो हर उम्र के लोग मंदिर जा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी आस्था को लेकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को मांग रहे हैं और देवी माँ जो माँ दुर्गा है उनसे अपनी जो कामना है उसको पूर्ण करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकती हैं पीछे तस्वीरों में कि श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं और यहाँ आपको बता दें कि पूजा से संबंधित हर एक चीजों को रखा गया है। साथ ही साथ 9 दिन का चलने वाला ये नवरात्रि आज उसका पहला दिन है। आज के दिन शैलपुत्री का दिन कहा जाता है। शैलपुत्री जो कि हिमालय पुराणों में कहा गया है कि ये हिमालय की पुत्री है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस 9 दिन चलने वाले त्योहार को जो श्रद्धालु होते हैं उसमें 9 दिन का व्रत रखते हैं और अपनी आस्था को लेकर 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं और 9 देवी की 9 जो रूप है उसको अलग अलग दिन पे उनका पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही साथ अपने आस्था को लेकर वो मंदिर जाते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जो 9 दिन का व्रत भी रखते हैं। जी विभांशु, बीते 2 सालों से कोरोना के चलते लोग त्योहार खुलकर नहीं मना पा रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है, अब लोगों की जिंदगी जैसे जैसे पटरी पर वापस लौट रही है, तो अब लोग सभी त्योहार बेहद ही धूमधाम से मना रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी नवरात्रि को भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो नवरात्रि को लेकर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी मुस्कान, अगर बात करें तो पिछले 2 सालों से, जो पिछला 2 साल था उसमें आपने देखा कि लॉकडाउन की वजह से लोग मंदिर जाने में परहेज कर रहे थे, खासकर नवरात्रि जो पिछली 2 नवरात्रि थी उसमें श्रद्धालु जो भीड़ न इकट्ठा हो पाए और तमाम कोरोना की गाइडलाइन लगी हुई थी वो इस समय नहीं है और सभी गाइडलाइनों को हटा दिया गया। और साथ ही साथ इस बार आप देख सकती हैं कि अब लगभग मंदिरों में श्रद्धालु अच्छी संख्या में पहुंच रहे हैं अपनी आस्था को लेकर, पूजा अर्चना को लेकर। वहीं अगर बात की जाए तो विभिन्न मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ संख्या देखने को मिल रही है। यहाँ ठीक पीछे भी देख सकती हैं कि श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं और अगर बात की जाए तो पिछले 2 लॉकडाउन की वजह से जो नवरात्रि थी उसमें मंदिर को जो प्रतिबंध लगा दिया गया था उसमें अगर बात की जाए संख्या बल की तो संख्या बल को भी कहीं कहीं अगर मामले धीरे धीरे कम होते गए तो कम संख्या बल के साथ मंदिरों को खोला गया था, मगर इस बार की जो 2 साल के बाद की नवरात्रि है इसमें पूर्ण रूप से जो लॉकडाउन को हटा दिया गया है और साथ ही साथ प्रतिबंधों खत्म कर दिया गया है तो उसमें तमाम मंदिरों में धीरे जो श्रद्धालुओं की संख्या उसमें पहले से इजाफा हुआ पिछले 2 सालों में। जी मुस्कान,
विभांशु, अगर धार्मिक मान्यताओं की बात की जाए तो उनके मुताबिक कलश की स्थापना करने से और 9 दिनों तक निरंतर उपवास करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है, तो इस वक्त आज नवरात्र का पहला दिन है, तो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए लोग मंदिरों में क्या क्या भेंट लेकर पहुँच रहे हैं, चढ़ावे के लिए क्या क्या लेकर मंदिर पहुँच रहे हैं? जी, अगर चढ़ावे की बात की जाए तो दुर्गा जी को लाल फूल पसंद है, यहाँ लाल फूल रखे गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि नारियल के जो है, नारियल जो फोड़े जाते हैं वो भी रखे गए हैं। साथ ही साथ अपने चढ़ावे के रूप में लोग अपने घर में आज कलश रखते हैं, उसे 9 दिन तक पूजा करते हैं। साथ ही साथ नवरात्रि के आखिरी दिन उसे आहुति कर यज्ञ कर और फिर दुर्गा चालीसा के पाठ कर उस कलश को उठाते हैं। और साथ ही साथ जो 18 साल की नीचे की कन्याएं होती है उसमें दुर्गा का रूप मानकर उनका पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भेंट देते हैं और साथ ही साथ उनको खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के बाद उन्हें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। जी विभांशु, कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है लेकिन खत्म नहीं हुई है, तो लोग मंदिर में क्या मास्क लगाकर या कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पहुँच रहे हैं? जी मुस्कान, अगर बेशक बात की जाए तो कोरोना गाइडलाइन के ऊपर देखा जाए तो अभी मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप इसको अभी पालन करें। इसमें आप देख सकती हैं कि विभिन्न मंदिरों पर, खासकर आप अन्य दिनों की भी बात करें तो लोग अब मास्क भूल चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को भी भूल चुके हैं। अगर वही बात की जाए तो कुछ किंचित लोग भी मास्क लगाकर दिख रहे हैं जो जागरूक है, जैसा कि आप तस्वीरों में पीछे देख रही हैं कि एक मैम जा रही है जो कि मास्क लगाई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिबंध को मानने वाले लोग हैं अभी भी मान रहे हैं, मगर अगर बात की जाए तो बहुत संख्यक है जो अभी भी जो गाइडलाइन है जो ना भीड़ संख्या से ज्यादा में इकट्ठा हो, साथ ही साथ मास्क लगाने वाली बात आपने कहा, तो ये खासतौर पे आप देखिए कि आमतौर पे लोग बहुत कम प्रतिशत में इन गाइडलाइनों का पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ धीरे धीरे जो केस है वो लखनऊ के अंदर में कम हो गया है, इससे लोगों के अंदर काफी इसको लेकर अनदेखा कर रहे हैं। जी मुस्कान, मैं चाहूंगी कि आप जो भक्तगण इस वक्त मंदिर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत करें कि आखिर इस पर्व का महत्व क्या है और वो किस आस्था और मनोकामना के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं। जी मैं यहाँ दुकानदारों से ही बात करूंगा कि क्या स्थिति है, भीड़ जो आ रही है, जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो किस हद तक है पिछले सालों के मुताबिक। अच्छा, आप अपना नाम बता दें। अच्छा, ये बताएं, पिछले 2 साल लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से लोग भीड़ मंदिरों में कम आ रही थी, क्या इस बार उसमें कुछ बदलाव हुआ है? पहले से संख्या कुछ ज्यादा दिख रही है आपको मंदिरों में? और अगर बात की जाए तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मास्क अभी लगाएं, साथ ही साथ सोशल गाइडलाइन को फॉलो करें, तो क्या ऐसे जो श्रद्धालु हैं वो मास्क लगा के आ रहे हैं? जी, तो आपने सुना, इनके तरफ से कहा जा रहा है कि अपनी सेफ्टी को लेकर लोग मास्क लगा रहे हैं। उसी क्रम में हम कुछ श्रद्धालु और है उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। मैम, आप अपना नाम बता दें। अच्छा, आप पूजा पहले कर ले, पूजा करके मुस्कान बात करेंगे हम। जी मुस्कान, हम देख सकते हैं किस तरह से लोग लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ को प्रसन्न करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से लोग इस पर्व को पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मना रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने लगातार ये भी लोगों से बात की और साथ ही लोगों ने ये भी कहा कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए हर एक त्यौहार को मनाएंगे, क्योंकि बीते 2 सालों में जिस तरह से त्यौहार कोरोना की वजह से धूमधाम के साथ नहीं मनाया गया, तो लोग अब ये फिर से नहीं चाहते हैं कि कोरोना फिर से आ जाए और उनके त्योहारों पर कोरोना का साया मंडराए। तो यही वजह है कि लोग पूरे कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस त्यौहार को मना रहे हैं। तो माँ के पर्व चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है। इस चैत्र नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा होती है, जहाँ आज सबसे पहले माँ दुर्गा के शैलपुत्री की पूजा की जाएगी, जिसके बाद ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि अष्टमी और नवमी के दिन जो भी छोटी कन्याओं को भोज कराता है, जो भी छोटी कन्याओं को भोग लगाता है,
वो माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को भोज कराए वो भोज करा रहा है। यही वजह है कि अष्टमी और नवमी के दिन जो प्रदेश और देश के तमाम घर हैं वो कन्या भोज का आयोजन करते हैं, साथ ही जो देवी के अलग अलग स्वरूप है उनकी भी पूजा अर्चना करते हैं। तो माँ के पर्व यानी कि चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो चुकी है, जिसको लेकर सभी वर्ग, फिर चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, लगातार मंदिरों पर पहुंचकर पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामनाएं पूरा करने की कामना कर रहे हैं। साथ ही अब ये भी दुआ कर रहे हैं कि कोरोना वापस कभी ना आए, क्योंकि बीते 2 सालों में लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों ने कोई भी त्यौहार धूमधाम के साथ नहीं मनाए हैं। तो अब लगातार लोग यही मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं कि अब जो देश के लोग हैं, साथ ही पूरे विश्व को कोरोना जैसी महामारी से निजात मिले। वहीं अगर बात करी जाए तो जो भी तमाम श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं उनमें से अधिकतर लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही चढ़ावा भी लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं ताकि वो माता को प्रसन्न कर सके, जिससे माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। वहीं अगर आज बात करें माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री की, तो इन्हें पहाड़ों की पुत्री कहा जाता है, इन्हें पहाड़ों की पुत्री की उपाधि दी गई है। आज माता के इसी स्वरूप की पूजा करने के लिए लोग मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में दिख रहे हैं, मंदिरों के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरह से नवरात्र को लेकर हर तरफ दुकानें सजाई गई हैं, जहां पे मिठाइयों के साथ साथ माता को जो भेंट चढ़ाने की सामग्री है वो भी मिलती हुई नजर आ रही है। मंदिरों के बाहर जो श्रद्धालु हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, उनमें नवरात्र को लेकर उमंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 सालों के बाद अब वो पहले जैसे इस त्यौहार को मना रहे हैं। यही वजह है कि सुबह 4 बजे से ही मंदिरों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं कि वो जल्द से जल्द माता का आशीर्वाद ले ले, माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। वही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस पर्व को मनाने के पीछे 2 अलग अलग कहानियां हैं, जहां एक तरफ माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, तो वहीं दूसरी तरफ जब भगवान श्री राम ने लंका नरेश रावण को हराया था और जिस दिन उन्होंने जीत हासिल की उसे विजयदशमी का नाम दिया गया। तो यही 2 कथाएं हैं और ऐसी मान्यता है कि इन्हीं दोनों कथाओं के बाद से नवरात्र के पर्व की शुरुआत हुई थी। नवरात्र के पर्व में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो नवरात्र को लेकर लोगों में खासा उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है, मंदिरों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या किसी भी तबके का इंसान हो, वो लगातार मंदिर पहुंचकर माता का आशीर्वाद लेना चाहता है, माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और चाहता है कि माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। यही वजह है कि कई लोग कलश की स्थापना करते हैं, कई लोग लगातार 9 दिन तक व्रत रखते हैं, साथ ही साथ माता को जो सुहागन औरतें हैं वो माता को पूरा सुहाग का सामान चढ़ाती हैं, जिससे उनका सुहाग सुरक्षित रह सके, उनका सुहाग पर कोई भी नुकसान ना आए। यही वजह है कि लगातार माता को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु जितने भी हैं उनका तांता लगातार मंदिरों के बाहर लगता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आज पहला दिन है और पहले दिन ही लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और ये पर्व लगातार 9 दिनों तक चलेगा और लगातार 9 दिनों तक जो श्रद्धालु हैं वो इसी आस्था के साथ मंदिर के बाहर पहुंचेंगे। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम आपको प्रदेश के अलग अलग जनपदों की तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ताकि जो भी श्रद्धालु जो किसी कारणों से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, जो भी बुजुर्ग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वो इस वक्त अपने घर पर बैठे बैठे माता की पूजा अर्चना कर ले, माता के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन कर ले और देख ले कि किस तरह से लोग लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं माता का आशीर्वाद प्राप्त करने, माता का सानिध्य प्राप्त करने। नवरात्र के पहले दिन
नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री यानी पहाड़ों की पुत्री शैलपुत्री को उपाधि दी गई है। उनकी पूजा अर्चना की जाती है, यानी कि नवरात्र 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्र की शुरुआत माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ होती है। यही वजह है कि लगातार मंदिर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है, लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो माँ के पर्व चैत्र नवरात्र की अब शुरुआत हो चुकी है। आज से लगातार 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। माँ के इस पर्व पर लगातार माता के अलग अलग जो स्वरूप है उनकी पूजा की जाएगी। वहीं अगर देखा जाए तो आज से जब नवरात्र की शुरुआत हुई है तो पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। हमारे सभी दर्शकों को एक बार फिर नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।